17, I equal to cos x by 1 minus cos, 1 minus sin x, 2 minus sin x. ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें भी हिंट दिया हुआ है, साइन एक्स इक्वल टू टी पुट करना है. तो लेट साइन एक्स इक्वल टू टी, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करें तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं डी टी बाई 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी. तो पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में आ चुका है क्वेश्चन, तो हम मान लेंगे ऊपर में कुछ नहीं तो 1 है, 1 माइनस 1 माइनस टी, 1 बाई 1 माइनस टी और 2 माइनस टी इक्वल टू ए बाई 1 माइनस टी प्लस बी बाई 2 माइनस टी. तो 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस टी इंटू ए प्लस बी इंटू 1 माइनस टी. तो यहाँ पर 1 माइनस टी का 0 फाइंड करेंगे तो टी इक्वल टू 1 हो जाएगा. यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ए का वैल्यू आ रहा है 1 और बी में पुट करेंगे 2, 1 माइनस 2 इक्वल टू 1, बी का वैल्यू आया 1. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1 बाई 1 माइनस टी माइनस 1 बाई 2 माइनस टी डी टी हो जाएगा लॉग 1 माइनस टी है, क्योंकि 1 माइनस टी है तो माइनस टी का यहाँ पे माइनस 1 माइनस लग जाएगा और यहाँ पर भी माइनस है और ये भी माइनस है, वेरिएबल में माइनस है, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग 2 माइनस टी आ जाएगा प्लस सी. अब लॉग में यहाँ पे माइनस है तो ये इसमें डिवाइड आ जाएगा, तो लॉग 2 माइनस टी बाई 1 माइनस टी प्लस सी. अब टी को रिप्लेस कर देंगे साइन एक्स से, तो लॉग 2 माइनस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स प्लस सी आंसर होगा.